उत्तराखंड में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों की स्थिति क्या है और उनके कार्यों की प्रक्रिया किस तरह से संचालित की जा रही है, अब इसकी जानकारी सार्वजनिक हो पाएगी। दरअसल उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पिरान क्लियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपये की 2000 से अधिक की वक्फ संपत्तियों के बारे में भी सूचना देनी होगी। ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के अंदर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने के बावजूद भी क्लियर शरीफ दरगाह और वक्फ संपत्तियों के सूचना को के अधिकार से बाहर रखा गया था, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता भी होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ने से लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ की तमाम संपत्तियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी भी चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी सूचनाओं को देता रहा है, लेकिन क्योंकि नीचे के औकाफ से सूचना प्रॉपर नहीं आती है, तो उसको वो दायरे में नहीं थे। और जिस तरह से आयोग का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी और लोगों को भी औकाफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और हम ये कहते हैं कि जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, और उस ईमानदारी दिखने के लिए ये औकाफों की सुरक्षा के लिए, औकाफों की हिफाजत के लिए बहुत अच्छा एक ईमानदार कोशिश है। देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड में ये एक्सपेक्ट